जनपद में नागरिकों के घूमने के लिए आईटी पार्क बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण व शासन के निर्देशों के क्रम में गोरखपुर का तेजी से विकास हो रहा है व कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास लैंड बैंक बनाते हुए 350 एकड़ से ज्यादा गीडा द्वारा अधिग्रहण किया गया है और आगे भी लैंड बैंक बनाई जाएगी, जहाँ पर औद्योगिक इकाइयों को लगाया जा सके। अभी प्लास्टिक के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जो कि स्वीकृति के अंतिम पड़ाव में है, और यहां पर आईटी पार्क के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जो कि इसी साल पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, होटल मैनेजमेंट के लिए शासन के द्वारा धनराशि आवंटित की गई है, उस पर भी कार्य शुरू होने वाला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, माध्यम से प्राधिकरण के माध्यम से और शासन के निर्देशों के क्रम में गारमेंट सिटी का विकास हो रहा है, उसमें तेज़ी से कार्य चल रहा है। जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में के पास लैंड बैंक बनाते हुए करीब 350 एकड़ से ज़्यादा गीड़ा द्वारा अधिग्रहण अभी किया गया है और आगे भी लैंड बैंक उसमें बनाए जाएंगे, ताकि औद्योगिक इकाइयों उधर सृजित किया जा सके। और अभी प्लास्टिक सिटी के लिए भारत सरकार ने प्रस्ताव प्रेषित किया था, वो स्वीकृति के अंतिम पड़ाव में है। और हाँ, यहाँ पे आईटी पार्क का निर्माण तेज़ी से चल रहा है, जो इसी कैलेंडर ईयर में पूर्ण करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और विभिन्न परियोजनाएं, जैसे अभी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए स्वीकृति मिली है, धनराशि आवंटित की गई है, उसका भी कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करके उसको हम लोग अनुश्रवण करेंगे। तो विभिन्न अवस्थापनाएँ रोजगार सृजन के लिए, अवस्थापनाओं के विकास के लिए यहाँ सृजित की जा रही है।